पिता एव पुत्रो जायते, पिता ही पुत्र बनकर के पैदा होता है, उसी का नाम डीएनए है। डी का मतलब हुआ दादा, एन का मतलब हुआ नाना, नाना। और ए का मतलब हुआ आत्मा। तो मेरे शरीर में दो चैनल हैं, एक मैटरनल चैनल, एक पैटरनल चैनल, एक पिता का रक्त संबंध और एक माता का दुग्ध संबंध। रक्त संबंध लाल रंग खून का, जिसको हम आरबीसी कहते हैं, और श्वेत रक्त कण जिसको हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, ये हमारे शरीर के अंदर हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं अपने पितरों का श्राद्ध करूंगा। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि पिता ददाति पुत्रान, पिता पुत्र देता है, और दादा पौत्र देता है, और परदादा सुख संपदि देते हैं। वंशो विस्तारताम यातु, वंश का विस्तार, कीर्ति यातु दिगंतरम, और सारे संसार में कीर्ति का फैलना, आयुर् विपुलताम यातु, लंबी उम्र देना, पितृदेव प्रसादता, पितरों के प्रसाद से, पितरों की कृपा से। तो ये जो छह महीने हैं, इस छह महीनों में जब अश्विन का महीना आता है, दक्षिणायन जब आरंभ होता है, तो पितरों का दिन होता है, और पितर वायु रूप में आपके घर में वापस आते हैं कि जो कुछ वो छोड़ करके गए हैं वहां सब ठीक तो है। मैंने जो संपत्ति छोड़ी है उस संपत्ति में मेरे बच्चे मिल बांट करके खा रहे हैं या नहीं, अरे मेरे लिए कुछ दे रहे हैं या नहीं, मुझे स्मरण कर रहे हैं, तो वायु रूप में आते हैं। परंतु जो श्रद्धावान पुत्र होता है ना, वो क्या करता है, वो पंडित जी को बुलाता है और उनको बुला करके तर्पण करवाता है। तो तर्पण कितने प्रकार के होते हैं, बोले देव तर्पण, ऋषि तर्पण, मनुष्य तर्पण, पितृतर्पण और स्वपितृतर्पण। और पितरों में भी बोले इस जन्म के बंधु नहीं, ये बांधवा अबांधवा, ये अन्य जन्म निबांधवा। ये श्राद्ध पक्ष ऐसा पक्ष है मित्रों, इसमें आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, इस जन्म के बंधु या किसी अन्य जन्म के बंधु, वे सब मेरे इस तिल और तर्पण से तृप्ति को प्राप्त होंगे। दूसरा इसका बड़ा सुंदर मंत्र है, जो सार्वभौमिक मंत्र है, कि नरकेशु समस्तेशु यातनासु चये स्थिता। नरक में फंसे हुए मेरे जो पूर्वज हैं, किन्हीं कारणों से नरक से नहीं निकल पाए हैं, तो आज जो मैं ये तर्पण कर रहा हूं ना, मैं यमराज से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें नरक से निकाल देवें, उन्हें रिलीज कर दें, छोड़ दें। इसलिए यम तर्पण भी होता है, यमाया धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैवस्वत कालाय सर्वदेव क्षयाय च औदुम्बराय दद्नाय नीलाय परमेष्ठिने विरकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। चित्रगुप्त को भी प्रणाम करता हूँ कि वो उनकी लाइफ डायरी में से उनका पाप निकाल करके और उन्हें आज मुक्त कर दे। ये पितृ तर्पण है, अपने पितरों को, दूसरे के पितरों को, सर्व पितरों को मुक्ति देने का कार्य ब्राह्मण करता है। आज हम लोग यहाँ पर नारायण की पूजा कर रहे हैं, पितृ रूपी जनार्दन देवता प्रियंताम, और अपने यजमान और अपने पितरों की पूजा।